नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। धनु राशि अक्टूबर 2021 क्या बोलते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो सबसे पहले अपनी कुंडली को देख लीजिए, गोचर कुंडली को। गुरु और शनि जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, और राहु जो बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, और चंद्रमा जो है अपनी यात्रा शुरू करेंगे अष्टम भाव से। मंगल और सूर्य दशम भाव में, और बुध और शुक्र जो है एकादश भाव में, और केतु जो है बारहवें भाव में बैठेंगे। तो धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये महीना कैसे बीतेगा ये कुंडली बताएगी। अब जल्दी से समझ लेते हैं ग्रहों की चाल को। तो गुरु और शनि धन भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, गुरु नीच राशि में भी हैं, और शनि जो है 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु छठे भाव में, केतु बारहवें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहों के साथ शुभ और अशुभ योग बनाते रहेंगे। मंगल 22 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य 17 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। बुध और शुक्र की बात की जाए तो दोनों ही 2 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन बुध वक्री होकर अपनी ही राशि कन्या में वापस आ जाएंगे। और पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं भद्र योग, इसका निर्माण करेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का भ्रमण चाल, कौन कब कहाँ गया कैसे गया, इसकी जानकारी आपने कुंडली को देखा और बाकी चीजें समझ ली। अब सरल और सीधी भाषा में समझते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। बात करते हैं सेहत की। तो सेहत से आपको राहत मिलेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां होंगी लेकिन जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे, यानी अगर समस्या आएगी तो जल्दी आपका इलाज भी हो जाएगा। मौसमी छोटी मोटी बीमारियों से बचने की कोशिश करिएगा। खून संबंधी, स्किन संबंधी विकार हो सकते हैं, कोई एलर्जी हो सकती है। आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा, उल्टा सीधा ना खाएं, पानी खूब पिए, और घरेलू नुस्खों से आप अपना प्राकृतिक इलाज करते रहें, जैसे काढ़ा पीना है या अन्य चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं। इसके साथ साथ जब भी किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, और मास्क वगैरह लगाकर जाएं। इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहन इत्यादि चलाते समय बेहद सावधानी रखें। कई बार आप सही चला रहे होते हैं, कोई दूसरा सही नहीं चला रहा होता है, तो दूसरे के चक्कर में आपको तकलीफ आ सकती है। तो ध्यान से दाएं बाएं देखकर अपनी गाड़ी चलाएं, या पैदल भी अगर सड़क क्रॉस करनी है तो उसका भी ध्यान रखें। और किसी से क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी मत बनाइएगा, जैसे गले मिलना या एक दूसरे का जूठा खाना। इससे जो कुछ बीमारियां होती हैं एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाती हैं, उन बीमारियों से आपको बचना होगा। बाकी कोई और बीमारी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, दुश्मन और बीमारियों से इस महीने आप आसानी से जीत जाएंगे। बस जो बातें बताई हैं उनका ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो शुरुआती जो महीना है लगभग 15 दिन, यानी शुरुआत के जो 2 सप्ताह हैं वो लगभग प्रेम में शानदार स्थिति मजबूत होगी आपकी। प्यार में प्यार भी होगा, सम्मान भी होगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होगी, दिल के अरमान आपके पूरे होंगे। मंगल 22 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो पहले मंगल दृष्टि डालेंगे फिर सूर्य दृष्टि डालेंगे, तो दोनों जो ग्रह हैं इन दोनों की पंचम पर दृष्टि होना ठीक नहीं है। रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाएगी, थोड़ी सी आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी, विवाद बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बन सकता है, परेशानियां बढ़ेंगी। शुरुआती दिनों में जितनी मौज मस्ती होगी फिर उन्हीं में से मीन मेघ निकलेगा, तुमने ये कह दिया तो उसका ये मतलब था, तुमने वो कर दिया तो उसका मतलब वो था, यानी कि जिन दिनों में मौज मस्ती की होगी उन्हीं मौज मस्ती में से फिर कमियां भी निकलनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, फिर आपको छोटी परेशानियां आएंगी छोटी मोटी। तो बात करें अगर वैवाहिक जीवन की तो आपका रिश्ता ठीक तरीके से चलेगा, कोई छोटी मोटी तकरार होती रहेगी लेकिन फिर भी प्यार बना रहेगा, रिश्तों में स्थिरता रहेगी, घर में खुशियां रहेंगी, आप पूरे परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे, वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कोई एक दो बातें सुनने को मिल सकती हैं, जैसे कोई काम आपको कहा गया हो या कोई
चीज आपको कही गई हो और वो आपने अभी तक पूरी ना की गई हो, तो उन सब चीजों पर एक बार बहस वगैरह हो सकती है। तो जीवन साथी से रिश्ते आपको बेहतर रहने वाले हैं। पुरानी किसी बात को लेकर थोड़ा सा तनाव या कहते हैं ना चिढ़ाने वाली बात हो सकती है। बात करें शिक्षा और छात्र छात्राओं की, तो शिक्षा में बेहतरीन महीना रहने वाला है। आप जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि वो अच्छा महीना आए और हम जल्दी से सफल हो जाएं, तो ये महीना आ गया है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए या अन्य बड़ों के लिए। बच्चे हो या बड़े हो, देश विदेश में शानदार पढ़ाई को लेकर सफलता मिलेगी। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार पूरा होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में मेडिकल फील्ड में जुड़े लोगों को अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के साथ नौकरी भी लगने के चांस बन जाएंगे। नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, तो नौकरी और व्यापार के लिए यह महीना बहुत ही शानदार है। आप अपने शानदार रिजल्ट देंगे और आपको शानदार रिजल्ट प्राप्त भी होंगे। आपका ध्यान सिर्फ काम पर होगा, अच्छी तरीके से आप केंद्रित होकर काम करेंगे। सूर्य का एकादश भाव में जाना शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बढ़िया महीना रहने वाला है। सरकारी काम करने वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई टेंडर वगैरह का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। सरकारी नौकरी की पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। लाभ का महीना है, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सीनियर का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। विदेश जाने की कोई इच्छा है तो पूरी हो सकती है। व्यापार में जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं। साझेदारी का लाभ होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। प्रमोशन होने के, ट्रांसफर होने के बेहतरीन चांस बने हुए हैं। आपकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। बुध और शुक्र गुरु की कृपा से आप खूब पैसा कमाएंगे, धनवान बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नौकरी हो, व्यापार हो, किसानी का काम हो, जमीन का काम हो, छोटा मोटा किसी का बिजनेस हो, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। और कोई आप छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं, स्टेशनरी की या पूजा पाठ की दुकान है, उसमें भी बहुत लाभ होने वाला है। कृषि संबंधी कामों में भी अच्छी आपकी कमाई होने वाली है। 17 और 22 अक्टूबर के बाद पैसों की जैसे बारिश सी हो जाएगी आपके ऊपर। आमदनी के साथ बहुत सारी और धन लाभ भी होते चले जाएंगे। थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, तो पैसे आ रहे हैं तो खर्चे संभल के करिएगा, कहीं ज़्यादा खर्चा ना कर बैठे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसे आते जाएंगे, बचाना आपका काम है। बात करें परिवार की, तो ये महीना सुख और समृद्धि के साथ खुशियां लेकर आएगा। परिवार के लोगों के साथ अच्छा सपोर्ट आपका बना रहेगा। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, घर परिवार वालों के साथ अच्छे त्यौहार मनाएंगे, अच्छी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, एक दूसरे की इज्जत होगी, परिवार के साथ खुशियां मनाने का मौका मिलेगा। दोस्ती यारी भी अच्छी निभने वाली है। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बड़ों की सेहत को लेकर कोई लापरवाही ना करें, बड़ों की सेहत को लेकर थोड़े जिम्मेदार बने। धन दौलत तो आ ही रही है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया है सभी लोगों की, और रिश्तेदारी में भी आपके जो संबंध है वो सबसे बेहतर रहने वाले हैं। तो कहीं से भी इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। मांगलिक कार्यों पर भी चर्चा इस महीने संपन्न होगी। नौकरी में तरक्की के साथ व्यापार में लाभ, पढ़ाई में लाभ, सेहत बढ़िया, धन की कमी नहीं है, तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। तो इस महीने आपकी राशि को कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगभग 80% से ज्यादा भाग्य प्रतिशत आपके साथ है। केसर और हल्दी का टीका माथे पर लगाने पर आपको और शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये तो था आपके महीने का राशिफल जो आपने समझा और जाना। तो कुछ ऐसे काम हैं जो अटके हुए थे, जो अधूरे थे, उनको कर लीजिए पूरा। कोई आपका पैसा वैसा भी फंसा था, कोई उधार आपके ऊपर चढ़ा था, कर्जों में डूबे थे, कोर्ट कचहरी के मामले थे, तो उन सब से भी इस महीने आपको राहत मिल जाएगी। कुछ लोग जो झूठे आरोपों में फंस गए थे, लोगों ने आपको परेशान किया था, उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। घर धन दौलत बनाने का ये अच्छा महीना है आपकी राशि के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलें और ग्रहों की स्थिति को चेक करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है तो ये वक्त आपके लिए शानदार होगा। ये महीना जो है ये आपको ढेरों खुशियां देगा। माँ भगवती की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि, संतान का सुख, पैसों का सुख, नौकरी का सुख आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना
कि अगर गाड़ी के दोनों पहियों में हवा बराबर ना हो तो गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चलती है। चलती तो है लेकिन ठीक प्रकार से नहीं चलती, मंजिल पर देर से पहुंचती है, तकलीफों से पहुंचती है। तो अगर दो पहियों की बात करें तो एक पहिया है आपकी जन्म कुंडली और एक पहिया है ये वर्तमान की कुंडली। तो अगर दोनों में से कोई भी कमजोर हुआ तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो दोनों में हवा बराबर रखिए, बैलेंस बराबर रखिए, तो गाड़ी बहुत स्पीड में दौड़ेगी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप सुख को और सफलता को प्राप्त कर लेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी, दिमाग में कोई उलझन तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी सशुल्क सहायता करेंगे। नमस्कार।